हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल के ऊपर में। दोस्तों, ये है एपिसोड नंबर 35 ऑफ जीरो टू हीरो, जो एक टेक्निकल एनालिसिस श्रृंखला है, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, ये हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी सेपरेटली चल रहा है दोस्तों, तो अलग अलग प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस उपलब्ध है दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मुझे मालूम है अधिकतर लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने में दिक्कत आती है, और वो टॉपिक है दोस्तों कि गैप्स। जब चार्ट के ऊपर में गैप्स अपीयर होते हैं तो अधिकतर लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने में परेशानी होती है, उसको इंटरप्रिटेशन करने में परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये हमेशा मान के चलिए, गैप वो किसी तरह के हो, अगर बिल्डिंग्स की दीवारों पे गैप आते हैं तो उसे हम क्रैक बोलते हैं। एंड दोस्तों, अगर दांतों के बीच में गैप्स आते हैं तो उसमें खाना फंस जाता है और वो हमें पेन देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने म्यूचुअल फंड में सही प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और हेवी कमीशंस पे कर रहे हैं, तो वो हमें नॉलेज एंड स्किल के कारण जो गैप आया है वो हमें जिंदगी भर ट्रबल देते हैं। हमने ब्रोकिंग हाउस अगर चुन लिया है जहां बहुत हेवी ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो वो हमें परेशान करते हैं और लाइफ लॉन्ग रिकरिंग एक्सपेंसेस देते हैं। तो दोस्तों, गैप्स किसी भी तरीके के हों, वो हमें परेशानी देते हैं। तो आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए, क्योंकि हम इसमें जानेंगे गैप कितने प्रकार के होते हैं और उन गैप्स को समझने के लिए हमें क्या अनुभव एंड नॉलेज की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बेसिकली एपिसोड जो है पार्ट वन है, क्योंकि ये बहुत सीरियस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उसकी बेसिक थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद पार्ट टू में दोस्तों कई एग्जाम्पल लेंगे चार्ट के ऊपर में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से गैप्स इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन, और किस तरह से करके हम टेक्निकल एनालिसिस में अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर टेक्निकल एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस करेक्ट होंगे और अकॉर्डिंगली हम करेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में और ट्रेंड को राइड करने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन को, ऑल अबाउट गैप्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गैप होते क्या है। तो दोस्तों, गैप वो पोर्शन है चार्ट का जहां पे प्राइस चार्ट के ऊपर में इस तरह की सिचुएशन बन के आती है कि जब मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे गिरता है, तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके रिस्पेक्ट में मार्केट या तो काफी ऊपर खुलता है या गिरते समय मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे गिरता है, और वो पोर्शन है जहां पर एक्चुअली उस रेट पर, उस प्राइस पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो वर्चुअली गैप इज अ पोर्शन ऑन द प्राइस चार्ट। या तो वो गैप ऊपर बन सकते हैं जब मार्केट गैप अप होके ऊपर जाता है,
या गैप डाउन होके नीचे खुलता है। इसका तात्पर्य यह है कि गैप दोनों दिशा में बन सकते हैं, तो गैप अप बोलते हैं हम और गैप डाउन बोलते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो बिगनर्स हैं खास करके उन्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों ये आप देखिए कि इस केस में प्राइस ने क्या किया, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसकी क्लोजिंग हुई 1428.85 पर। और आप देखिए ये मार्केट सडनली ये कैंडल जो बनी, नेक्स्ट डे की कैंडल जो बनी, तो वो गैप अप ओपन हुई, मतलब जो क्लोजिंग हुई थी प्राइस उससे ऊपर में गैप अप ओपन हुई। और उसके बाद आप देखिए 1428.85 से लेकर 1463 के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई इस बीच में। तो दोस्तों इसे बोलते हैं गैप अप। अब दोस्तों गैप डाउन को समझते हैं। ये आप देखिए दोस्तों मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ पे क्लोजिंग हुई 26.4 वैल्यू पर, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो गैप डाउन हुआ, मतलब ओपनिंग प्राइस जो थी वो नीचे थी पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से 24.95 पर। तो देखिए ये जो गैप है इसमें आप देखिए पिछले दिन और आज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे नहीं हुई है, तो इसे हम गैप बोलते हैं। अब दोस्तों गैप कई प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें हम समझते हैं, और कई बार आपने इस चैनल पर एनालिसिस को देखा होगा, और जब हम स्टॉक टॉक के तहत, ट्रेडिंग आइडिया के तहत, स्टॉक पिक के तहत जब हम एनालिसिस को शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर में, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि एनालिसिस करने का तरीका क्या है, तब कई बार गैप्स का जिक्र आया है दोस्तों, और उस समय गैप्स का इंटरप्रिटेशन वैसा क्यों किया गया है उसके बारे में भी कमेंट्री की गई है दोस्तों। तो इस लेसन के बाद में आप उन एनालिसिस के बारे में बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि गैप्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के गैप्स होते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली अगर हम देखें तो 4 टाइप्स के गैप होते हैं, 4 प्रकार के गैप होते हैं। लेकिन दोस्तों एक और प्रकार का गैप होता है जिसे हम 5th गैप की कैटेगरी में डालते हैं, और वो दोस्तों इनविजिबल होता है, इसीलिए कई बार उसके बारे में समझ में नहीं आता है। और खास करके दोस्तों वो बहुत पावरफुल गैप है जहां पे स्मार्ट मनी फ्लो करती है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th गैप के बारे में जिक्र दोस्तों हमने किया है जीरो टू हीरो श्रृंखला में, जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ट्यूटोरियल्स जीरो टू हीरो श्रृंखला में कवर किया था। तो दोस्तों उसे हम वन व्हाइट सोल्जर बोलते हैं, और ये गैप ऐसा है जो इनविजिबल गैप होता है। और वन व्हाइट सोल्जर हम सभी जानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसी तरीके से बेरिश मार्केट में दोस्तों जब वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन होता है तो वो भी गैप इनविजिबल होता है, डाउन साइड में गैप डाउन होता है, और वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। तो उस गैप के बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जो मार्केट साइकोलॉजी एंड कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड 2 वीडियो उपलब्ध हैं जीरो टू हीरो श्रृंखला में, उन्हें जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इनविजिबल गैप कई बार एक बहुत बड़े पैसे की अपॉर्चुनिटी को मिस करा सकते हैं अगर आप इसको नहीं पहचान पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 4 तरह के जो कॉमन गैप्स हैं। पहला तो है दोस्तों जिन्हें हम कॉमन गैप्स बोलते हैं। ये गैप चार्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं और इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गैप जो होते हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं दोस्तों। मार्केट को अधिकतर समय पे गैप पसंद नहीं होते हैं, मार्केट डजंट लाइक गैप, तो मार्केट में गैप को फिल करने की टेंडेंसी होती है। और कॉमन गैप्स खास करके जो होते हैं दोस्तों
वो गैप्स तुरंत फिल हो जाते हैं, और कुछ गैप्स ऐसे होते हैं जो सालों तक कई बार आपको फिल नहीं होते हैं दोस्तों, वो इतने पावरफुल गैप्स होते हैं। और सेकंड गैप होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। दोस्तों इस वर्ड की भी कई बार हमने चर्चा की है जब हम टेक्निकल एनालिसिस को आपके साथ इस चैनल पे रेगुलरली शेयर करते हैं, स्टॉक पिक में या कमोडिटी स्पेस में या करेंसी स्पेस में। तो दोस्तों थर्ड गैप है वो है रन अवे गैप, और रन अवे गैप के बारे में भी कई बार चर्चा में ये वर्ड आया है दोस्तों जब भी इस चैनल पे एनालिसिस की जाती है। और फोर्थ गैप है दोस्तों वो है एग्जॉशन गैप। जब मार्केट टॉप आउट होता है या मार्केट बॉटम आउट होता है तो उस समय पे एग्जॉशन गैप होते हैं जिसमें एक डिमिनिशिंग मोमेंटम दिखाई देगा। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो उस समय पे ये एग्जॉशन गैप बनते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि अपसाइड मोमेंटम का अभाव आ रहा है, डिमिनिशिंग मोमेंटम है, और ये गैप जो है वो एग्जॉशन गैप है दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये गैप को आइडेंटिफाई करना चार्ट के ऊपर में बहुत आसान है, उसे हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर में, उनको पता लगा सकते हैं देख के कि गैप कहां पे फॉर्म हुए हैं और वो गैप दोस्तों। लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि वो गैप्स जो हैं वो किस प्रकार के गैप है, क्योंकि जब तक हम उस गैप को सही तरीके से कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन सही करने में हम सक्षम नहीं बन पाएंगे। और अगर हम सक्षम नहीं बन पाएंगे दोस्तों तो उसका इंटरप्रिटेशन ही अगर गलत हो जाएगा तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हम एक मुनाफे के सौदे के अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं दोस्तों। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि गैप्स अपीयर क्यों होते हैं और गैप्स का फॉर्मेशन होता क्यों है। तो दोस्तों ये इनका फॉर्मेशन दो ही रीजन से प्राइमरली होता है, और वो रीजन है एक या तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज आ गई है, पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, जियोपॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, कहीं युद्ध छिड़ गया है उससे डिमांड एंड सप्लाई में अचानक फर्क पड़ गया जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और दोस्तों या फिर कोई ऐसा इवेंट का से तात्पर्य है कि कंपनी का रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है या एनुअल रिपोर्ट है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटेड है, और या फिर दोस्तों बहुत पुअर परफॉर्मेंस इंडिकेटेड है, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि रेटिंग एजेंसी ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के बारे में अपने रेटिंग अपनी एनालिसिस के आधार पर उसे अपग्रेड कर दिया हो या उसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी हो। तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि अचानक जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं अचानक मार्केट या तो गैप अप होके ऊपर चला गया है या गैप डाउन होके मार्केट नीचे चला गया है। डिपेंड करता है किस तरह की न्यूज है और किस तरह के इवेंट है उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा दोस्तों। तो ये इस न्यूज के आधार पर या इस इवेंट के आधार पर मार्केट में वायलेंट बाइंग आती है या वायलेंट सेलिंग आती है, इस कारण से दोस्तों ये ऐसा होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के प्राइस एक्शन कॉज करने के कारण ये इस तरह से गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलता है। बिकॉज मार्केट में जब भी वायलेंट एक्शन होगा मोर देन नॉर्मल और आई वुड से अबनॉर्मल तो प्राइस ओपन्स सिग्निफिकेंटली हायर। तो प्राइस क्या होती है, पिछले दिन की क्लोजिंग से या तो सिग्निफिकेंटली हायर ओपन होगी और या फिर पिछले दिन की क्लोजिंग से सिग्निफिकेंटली लोअर ओपन होगी, क्योंकि ये न्यूज एंड जो इवेंट्स है वो डिमांड को क्रिएट करते हैं या सप्लाई को क्रिएट करते हैं। तो एडिशनल डिमांड मोर देन सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत अधिक गैप होता है तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, और अगर सप्लाई बहुत अधिक होगी और डिमांड काफी लो होगा तो गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस वो एक तरीका है, माध्यम है, टेक्निक है जिसके द्वारा मार्केट हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, मार्केट हमसे क्या बोलना चाह रहा है,
उसको समझने का तरीका है। अगर हम मार्केट की भाषा समझते हैं, मार्केट की लैंग्वेज को समझते हैं, तो हम करेक्ट तरीके से मार्केट के इंटरप्रिटेशन को कर सकते हैं और हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। एंड दोस्तों, गैप्स हमसे क्या कम्युनिकेट करते हैं ये समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस करने की टेक्निक में, स्ट्रेटजी में शामिल कर पाएंगे और सही तरीके से राइट दिशा में बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, गैप्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए जानना सबसे अत्यंत आवश्यक है कि जो गैप है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि गैप को स्पॉट करना चार्ट के ऊपर में या पता लगाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन दोस्तों वो कौन प्रकार के गैप है, किस टाइप के गैप है, वो पता लगाना एक स्किल एंड नॉलेज का विषय है। तो दोस्तों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है, अगर हम गैप का प्रकार पता लगा पाए, उसके टाइप को समझ पाए, तो हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के गैप का चार्ट के ऊपर में अपीयरेंस हुआ है, वो हमें बताएंगे कि किस तरह का वो हमसे भाषा कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप्स जो हैं वो हमें अंदेशा देते हैं, वो हमें इंडिकेट करते हैं क्या एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूवमेंट में है, शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म, और इस तरह के गैप अपीयरिंग हुए हैं, तो दोस्तों क्या ये अंदेशा दे रहे हैं कि अप ट्रेंडिंग चालू होगा, मार्केट अब बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, या अपोजिट उसका हो सकता है, मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग मूव में है और कोई ऐसा गैप डाउन बनता है, तो दोस्तों क्या ये नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, अप ट्रेंडिंग के बाद ये रिवर्सल हो सकता है, या दोस्तों ये हमें कम्युनिकेट करते हैं कि ट्रेंड के रिवर्सल होने की संभावना है। पहला हुआ न्यू ट्रेंड, अब न्यू ट्रेंड बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, या एग्जिस्टिंग ट्रेंड अगर बुलिश है तो वो ट्रेंड रिवर्सल बेरिश हो सकता है, और अगर एग्जिस्टिंग ट्रेंड बेरिश है, डाउन ट्रेंडिंग मूव है, तो क्या बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। और या दोस्तों, कुछ गैप्स ऐसे होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है अभी और कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ समय तक चलेगा, मींस कंटिन्यूएशन हो सकता है जो ट्रेंड प्रिवेल कर रहे हैं आज की डेट में है। तो इस तरह से ट्रेंड का रिवर्सल, नए ट्रेंड की शुरुआत, या फिर प्रिवेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करने में ये किस तरह के गैप हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिए, तो ये हमें इंटरप्रिटेशन में हमें मदद करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट टू में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पार्ट टू दोस्तों, जीरो टू हीरो श्रृंखला का अगला एपिसोड जो आएगा वो पार्ट टू होगा गैप्स के ऊपर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जब आप ये थ्योरी के बारे में समझ जाते हैं, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो हम प्राइस चार्ट के ऊपर में सेवरल एनालिसिस करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह के गैप है और इसके बाद मार्केट में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि जो चार प्रकार के गैप्स के बारे में हमने अभी चर्चा की, और फिफ्थ गैप जो दोस्तों इनविजिबल गैप है, जिस कारण से वन व्हाइट सोल्जर या वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए दोस्तों आप जीरो टू हीरो श्रृंखला में जो कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर में दो अलग अलग वीडियोस है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर और एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे, उसे रिविजिट करें और पूरा वीडियो आप देखें, तो वहां कंसेप्चुअली आपको समझ में आएगा कि इस तरह के गैप कितने पावरफुल गैप हो सकते हैं जो इनविजिबल होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे चार गैप्स की जो विजिबल है, दिखाई देते हैं, वेरी इजी है आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों, आइडेंटिफाई करने के बाद यह समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के गैप में क्या ब्रॉडर डिफरेंस होता है। तो पहले तो दोस्तों, जो कॉमन गैप्स होते हैं, और कॉमन गैप्स जो होते हैं वो मोस्ट गैप्स जो है वो अपियर जो चार्ट के ऊपर में होते हैं किसी न्यूज के कारण या किसी इवेंट के कारण, क्योंकि दोस्तों इवेंट
न्यूज हो सकती है, अर्निंग्स हो सकती है, अभी हमने चर्चा किया, एंड दूसरा दोस्तों किसी कंपनी का अपग्रेड हुआ या डाउनग्रेड हुआ रेटिंग एजेंसी के द्वारा, उस कारण अपीयर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन गैप्स होते हैं, इसीलिए नाम उनका है कॉमन, क्योंकि वो कॉमनली अपीयर होते हैं चार्ट के ऊपर में, और उनका कोई बहुत सिग्निफिकेंट रीजन नहीं होता अपीयर होने के लिए। एक स्पॉट एंड डिमांड या सप्लाई के कारण ही ये गैप अपीयर होते हैं, और इस कारण से एक टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी ही वो गैप फिल हो जाते हैं दोस्तों, वो गैप रहते नहीं है, बहुत जल्दी ही कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद वो गैप फिल हो जाते हैं। तो इनको किसी न्यूज या चीज से रिलेट करके हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो एग्जॉशन गैप होते हैं, जो मार्केट टॉप आउट होता है या बॉटम आउट होता है तब अपीयर होते हैं, जहां मोमेंटम का अभाव नजर आएगा, डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आएगा। तो दोस्तों ये जो गैप होते हैं, इनमें सब्सटेंशियल वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है, राइज होता है, आप सब्सटेंशियल सर्ज देखेंगे वॉल्यूम में। और दोस्तों जो ब्रेक अवे गैप होते हैं, उनमें भी एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम में सर्ज देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह समझना कि जो कॉमन गैप्स है उनका बहुत न्यूज से रिलेटेड सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ब्रेक अवे गैप और एग्जॉशन गैप जो है, वो ब्रेक अवे गैप हो सकता है न्यूज से डेवलप हो, इवेंट से डेवलप हो, या नॉर्मल प्रक्रिया में एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो फॉर्म हो रहे हैं, या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट को तोड़ के फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ब्रेक अवे हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सप्लाई एरिया से, इसीलिए उन्हें ब्रेक अवे गैप बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये गैप में वॉल्यूम में सब्सटेंशियल इंक्रीज होना जरूरी है, अदरवाइज हमें ब्रेक अवे गैप या एग्जॉशन गैप की परिभाषा में नहीं डाल सकते हैं। एंड दूसरा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रन अवे गैप होते हैं, जो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में, आप ट्रेंडिंग मार्केट में और अचानक एक गैप बनेगा दोस्तों, मीन्स जिस दिशा में ट्रेंड है उसी दिशा में गैप क्रिएट हो जाएंगे, और यह जो कॉमन गैप्स बनते हैं इनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सब्सटेंशियल इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। बट दोस्तों जो रनवे गैप होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि शायद ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है, लेकिन अगर मल्टीपल रनवे गैप्स हैं तो वो सावधानी और चेतावनी भी है दोस्तों। ये अगले पार्ट टू में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कितने पॉसिबल रनवे गैप्स की संभावना है, और रनवे गैप बनने के बाद पॉसिबली मार्केट और कितना ऊपर जाने की संभावना है, क्या उसके बाद हम एक एग्जॉशन गैप देखेंगे जो हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि दोस्तों अब प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों इन गैप्स के रिलेटेड सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है, इसे समझना आपको अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि ये लिमिटेशंस इसीलिए अधिक आते हैं क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस के वेरियस एस्पेक्ट्स को, और ये सारे एस्पेक्ट्स दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में एक एक करके कवर किए गए हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये लिमिटेशंस कहां आता है कि हम पेशेंटली सारे नॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं, और वो दक्षता और स्किल हासिल करने के लिए कि ट्यूटोरियल को हमने पूरा बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए, पेशेंटली मल्टीपल टाइम नहीं देखा है, और उसके बाद चार्ट के ऊपर में जाके उनसे रिलेटेड स्टडीज नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, और वो सबसे बड़ा लिमिटेशन का कारण बनते हैं कि हम गैप तो बहुत इजीली पता लगाते हैं, यस मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन जो गैप क्रिएट हुआ प्राइस चार्ट के ऊपर में, उस गैप का प्रकार कौन सा है, क्या वो ब्रेक अवे गैप है, या वो सिंपली कॉमन गैप है, या एग्जॉशन गैप है, या रनअवे गैप है, और या दोस्तों इनविजिबल गैप है जिस कारण से एक पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का जन्म हुआ है, वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में, तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो दोस्तों बाकी स्टडीज का ज्ञान ना होने के कारण
केवल गैप पे फोकस करके हम कभी भी अपने इंटरप्रिटेशन को करेक्ट दिशा में नहीं ले जा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इंटरप्रिटेशन गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि अदर स्टडीज को हम कंबाइन करना नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को ऊपर में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की है, और ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, गैप से रिलेटेड पार्ट टू वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इनका एप्लीकेशन होता है, और टेक्निकल एनालिसिस का ये बहुत एक अहम एंड इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले वीक में हम लेके आएंगे पार्ट टू ऑफ गैप्स, उसे देखना मत भूलिएगा दोस्तों। इन द मीन टाइम दोस्तों, जो इनविजिबल गैप्स की मैंने बात की, आप अपने उस वीडियो को जो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मार्केट साइकोलॉजी, जो एक अपट्रेंडिंग मार्केट के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, वो है जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में उसका सिग्निफिकेंस होता है। तो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियो है, उसमें वन व्हाइट सोल्जर एंड वन ब्लैक क्रो के बारे में चर्चा की गई है, और किस तरह से वो इनविजिबल गैप जो बहुत पावरफुल होते हैं, और उस कारण से अगर हमें उनका नॉलेज और स्किल ना हो पता लगाने की, तो हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड जीरो टू हीरो श्रृंखला का गैप्स के ऊपर में पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में, जानकार लोगों के बीच में इसे शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों उन्हें भी इन ट्यूटोरियल्स का, इन लर्निंग सीरीज का फायदा हो सके, और वो भी आपके और हमारे परिवार का हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल जरूर करें। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों।